आजकल घरों में किताबें बांटते हुए आ रहे, अल्लाह बहुत अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ लगे हाथ। एक बहुत बड़ी बात आ गई, आपके सामने बयान कर रहा हूँ। घरों में किताबें बांटते हुए आ रहे हैं, घरों में कुरान बांटते हुए आ रहे हैं, घरों में दीनी किताबें बांटते हुए आ रहे हैं, और हमारी जिहालत का क्या कहना। हम अरबी तहरीर को कुरान समझ रहे हैं, उर्दू तहरीर को दीन समझ रहे हैं। हर अरबी तहरीर कुरान नहीं, हर उर्दू तहरीर दीन नहीं। बांटते हुए अगर किताबें लेकर आए तो अपने मस्जिद के इमाम साहब के पास लेकर आ जाओ, इसलिए कि ईसाई भी किताबें बांट रहे हैं उर्दू जुबान में, खादियानी भी किताबें बांट रहे हैं उर्दू जुबान में, और हमारी जिहालत उन किताबों को उठाकर पढ़ेंगे। बगैर तहकीक के अगर अकीदा बदल गया इस्लाम से बाहर हो जाओगे, बगैर तहकीक के अमल बदल गया इस्लाम को ईमान को खतरा होगा। किताबें अगर लाकर बांटते हैं उन किताबों को लेना बेहतर नहीं है, अगर ले लेते हैं तो फिर उन किताबों के बारे में इमाम साहब के पास, अपने मोहल्ले के सच्चे आलिम दीन के पास लाकर मौलाना को बताओ, मौलाना एक साहब मुझे ये किताब दिए हैं, क्या भाई ये किताब पढ़ सकता हूँ। मौलाना किताब का नाम देखेंगे, किताब लिखने वाले का नाम देखेंगे, और उसके बाद अंदर के कुछ चार पांच सफहात देखेंगे, उसके बाद इजाजत देंगे तो तब उन किताबों को आप पढ़ो। मैं खुद एक घर के अंदर बाइबल को देखा, बाइबल को, उर्दू बाइबल को देखा। अदब करते हैं हम बाइबल का, रामायण और गीता का अदब करते हैं, महाभारत का अदब करते हैं, उसके साथ गुस्ताखी नहीं करेंगे, हम बेअदबी नहीं करेंगे, लेकिन साफ साफ कहेंगे कि मुसलमानों तुम्हारी किताब कुरान है, तुमको रखना है तो कुरान रखना है, पढ़ना है तो कुरान पढ़ना है। तुम पढ़ते रहोगे कुरान मुकम्मल नहीं होगा, जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। तुमको कुरान छोड़कर और किताब पढ़ने की भी फुर्सत है, तुमको हदीस छोड़कर और किताबें पढ़ने की फुर्सत है, तुमको सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़कर और किताब पढ़ने की फुर्सत है। तुम्हारे पास 144,000 सहाबा की सीरतें मौजूद हैं, 5,00,000 औलियाउल्लाह की सीरतें मौजूद हैं, ये छोड़कर और किताब पढ़ने का भी आपको वक्त है। पढ़ना है तो कुरान पढ़ो, पढ़ना है तो हदीस पढ़ो, पढ़ना है तो प्यारे आका की सीरत पढ़ो, पढ़ना है तो सहाबा की सीरत पढ़ो। और सच कहता हूं मेरे प्यारों, मौलाना तवज्जो चाहता हूं, अब तो हमारी मसरूफियत का यह हाल है कि रोजाना के अखबार तक पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। कभी किसी के टू व्हीलर के पीछे बढ़ गए तब अखबार पढ़ लेते हैं, इतना वक्त टाइट हो गया है, और वक्त की बरकत हमारे गुनाहों की वजह से ऐसी खत्म हो गई है, हमारे पास अब दूसरी किताबें और अखबारात पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता। और आपको तो इतना वक्त है, इतना वक्त है, इतना वक्त है, बांटते बांटते आप हातिम ताई भी बन जाएंगे। नहीं, अल्लाह अकबर कबीरा, कोई देता है गीता महाभारत रामायण, मेरी बात रिकॉर्ड होती है मालूम है आपको, नोट करते हैं, तुम्हें नहीं उनू उनू का तो को 900 भाई, हमारी कौम की तरबियत के लिए हमको साफ साफ बात करने की इजाजत है। कोई देता है किताब? आप बड़ी मोहब्बत के साथ कह दीजिए नो थैंक्स।
शुक्रिया। कहेंगे पढ़िए अच्छी अच्छी बातें हैं, आप कहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुरान में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। ये नहीं बोलना इससे अच्छी बातें हैं बोलो उनको, वो एक लड़ी शुरू हो जाएंगी। बातों को कई तरीके से अदा करने का फन इस्लाम में है। हाँ,